दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसपी सिंह और एसपीआर लैब लर्निंग में आपका स्वागत है। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत अब आपके बैंक अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए आएगा, यानी कि 6,000 रुपए महीने सरकार की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी की तरफ से। राहुल गांधी जी ने आज एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अगर उनकी सरकार बनती है, यानी कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वो हर गरीब व्यक्ति के अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए डालेंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ये उनकी चुनावी रणनीति है। अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ये कार्य सबसे पहले करेंगे, यानी कि 23 मई को सरकार बनेगी और 1 जून से लोगों के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा कि नहीं, ये भी आप जान लीजिए। अगर आप एक महीने में 12,000 या उससे कम कमाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में भी ये पैसा आएगा। उन्होंने दावा किया है कि देश के जितने भी लोग 12,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं, उन सभी के अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा, यानी कि साल का 72,000 रुपए। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार आप राहुल जी का बयान सुन लीजिए। न्यूनतम आय योजना उसका नाम है, उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से, गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम का की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा, तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं। लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी, कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बढ़ने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, साल में, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि ये हर साल 72,000 रुपए लोगों को देने के लिए, जिसमें बताया गया है लगभग 25 करोड़ लोगों को ये पैसा दिया जाएगा, तो ये पैसा आएगा कहां से? तो हम आपको एक जानकारी दे दें, हमारे देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं वो किसी न किसी एनजीओ के द्वारा किए जाते हैं। चाहे कोई बड़ा मंदिर बनवाना हो, चाहे कोई बड़ी धर्मशाला, या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल, या कोई भी बड़े से बड़ा कार्य किया जाना हो, वो सभी किसी न किसी एनजीओ के द्वारा किए जाते हैं। और हमारे देश में किसी न किसी एनजीओ की ही सत्ता चलती है। जैसे अभी जो सत्ता चल रही है वो बीजेपी की है, बीजेपी भी एक एनजीओ है और कांग्रेस भी एक एनजीओ ही है। और एनजीओ कब क्या कर दे किसी को पता नहीं, क्योंकि एनजीओ के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, वो कोई भी काम अनलिमिटेड कर सकता है, क्योंकि एनजीओ पहले लोगों से सहायता लेता है और उसके बाद उसी पैसे से लोगों की सहायता करता है। तो सीधी सी बात है, ये पैसा तो जनता से ही लिया जाएगा, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे किसी दूसरे तरीके से। अब सवाल ये उठता है, क्या ये राहुल गांधी बाकी पैसा देना चाहते हैं या चुनावी जुमला है?
वो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बता दीजिए। अगर आप 12,000 रुपए से कम कमाते हैं हर महीने और राहुल गांधी की सरकार बनी तो आपको जरूर ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये न्यूज आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एसपीएल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।